नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र आकर स्वागत करता हूँ आपका फ्लाहा एकेडमी भोपाल में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे शब्द रूप। शब्द रूप में हम पढ़ेंगे उकारांत पुल्लिंग। उकारांत पुल्लिंग में आपको साधु का रूप करके बताऊंगा, बाकी आप गुरु पशु ऐसे करके जितने भी ऊ की मात्रा वाले पुल्लिंग में हैं आप उनको इसी तरीके से बना सकते हैं, जो मैं ट्रिक बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे मैंने आपको पहले ही बताया, आपने पिछले वीडियो में देखा होगा, मैंने आपको बता दी प्रथमा विभक्ति जो होती है, प्रथमा विभक्ति को आपको याद करना पड़ता है। इसका कोई ट्रिक नहीं है या है भी तो मैं उसको मानता नहीं हूँ ट्रिक, क्योंकि वो फिर सब राइमिंग खराब हो जाती है। तो बेहतर है कि आप प्रथमा याद कर लें। देखो साधु है तो साधु, द्विवचन में ऊ की मात्रा बढ़ जाएगी, साधु और साधव, साधु साधु साधव। अब द्विवचन का देखो, द्विवचन में क्या होता है, साधु साधु दो बार, साधु साधु दो बार, फिर इसके बाद साधुभ्याम साधुभ्याम और साधुभ्याम तीन बार, साधु साधु दो बार, साधुभ्याम साधुभ्याम तीन बार और साधवो साधवो दो बार, साधवो साधवो दो बार। हो गए आपके एक दो तीन चार पाँच छः सात सप्तमी विभक्ति तक काम हो गया। सिर्फ जो संबोधन है उसको हम थोड़ा रख देते हैं, बाद में देखेंगे। साधु साधु दो बार, साधुभ्याम साधुभ्याम तीन बार, साधवो साधवो दो बार। अगर गुरु होता तो गुरु गुरु दो बार, गुरुभ्याम गुरुभ्याम तीन बार, और यहाँ पर गुरबो गुरबो हो जाता, मतलब जो बीच में गा रा होता ना वो आधा हो जाता, गुरबो गुरबो। जैसे साधु में आधा ऊ आधा धा हो गया, तो वैसे गुरबो गुरबो हो जाता। क्लियर हो गई बात। अब हम आते हैं इसकी ट्रिक पे। तो भाई साहब ट्रिक द्वितीय विभक्ति से चालू होती है। ट्रिक पढ़ लो, अम नाबे ओ ओ औ, अम नाबे ओ ओ औ, क्या है अम नाबे ओ ओ औ। तो अम तो ये क्या हो जाएगा, साधु, और इसमें क्या लगा देंगे ना, साधुम, क्या हो जाएगा साधुम, साधु अम ना साधु ना। अब इसको मैं चाहूं तो आपको यहां पर इसको तोड़ के बता सकता हूं, तोड़ देता हूं मैं इसे, अम प्लस ना बनेगा प्लस वे प्लस ओ, ओ मतलब विसर्ग आएंगे साथ में, फिर ओ विसर्ग आएंगे और औ साधु, तो क्या हो जाएगा साधु ना साधु वे, फिर आपका आएगा साधो, फिर आएगा आपका साधो और आपका जाएगा साधव। अम नावे ओ, अम नावे ओ ओ औ, अम नावे ओ ओ औ, अम नावे ओ ओ औ, चाहे वो कोई भी हो उकारांत में यही फॉर्मूला लगेगा, अम नावे ओ ओ औ। ठीक है, अब आते हैं हम बहुवचन पर। बहुवचन का फॉर्मूला है उन भीम भयम भयम उनाम सु, उन भीम भयम भयम उनामसु। जैसे इकारांत का होता है इन भीम भयम इनामसु, वहाँ ई की मात्रा यहाँ ऊ है, तो उन भीम भयम उनामसु। इसको मैं अगर तोड़ूंगा तो उन भीम, भीम मतलब आपका भी होता है, भयम मीन्स भी वहम वह प्लस उनाम और आपका फिर आएगा सु। समझ गया बात को, उन भीम भयम भयम उनामसु, उन भीम भयम भयम उनाम शु। ठीक है, चलिए तो अब हम शुरुआत कर देते हैं। तो शुरुआत उन, तो ऊ की मात्रा है तो साधु में ऊ की मात्रा लगाएंगे तो बड़ा ऊ की मात्रा हो जाएगी, तो साधुन। उन भी तो आप क्या हो जाएगा, ये साधु लिखना है और ये लिखना है आपको भी। अब इसका क्या आएगा, फिर साधु लिखना है, फिर आपको लिखना है साधु भय, फिर आप लिखेंगे फिर हो जाएगा साधु भय। ठीक है, और अब जब फिर ऊ की मात्रा आ गई तो ये साधु बड़ा ऊ की मात्रा हो जाएगी, साधु नाम, यहाँ पर हलंत जरूर आएगा ध्यान रखना, और इसके बाद आ जाएगा साधु और ये शु, साधु सु। तो ध्यान से देखेंगे, उन भीम भयम भयम ऊ नाम सु, उन भीम भयम भयम ऊ नाम सु। अब हम संबोधन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर बस संबोधन में ये कि हे, मैंने हमेशा बताया कि प्रथम व्यक्ति क्या होता है, बट यहाँ पर प्रथम और यहाँ पर ओ की मात्रा जाती है, हे साधो, बाकी इसमें वो ही आएगा ऊपर वाला, हे साधु और हे साध वह, हे साध वह। इसी के साथ आपका उकारांत पुल्लिंग आपका खत्म हुआ। तो एक बार राइम बना लेते हैं,
अम ना वे ओ ओ औ उन वे भयम उनामसु। कितना सिंपल है, अम ना वे ओ ओ औ उन बिम भयम उनामसु। और बाकी इसके बाद दो ही वचन में, साधु साधु दो बार, साधुभ्यम साधुभ्यम तीन बार, साधु साधु दो बार। इसी तरीके से आप गुरु पशु और जितने भी उकारांत उ वाले हैं आप उनको कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है इससे रिलेटेड तो आप बिल्कुल आप हमें कमेंट करें। अगर आपको ये पसंद आया है तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट अच्छे अच्छे कमेंट करें। और बाकी अगर कोई भी कमी लगती है तो आप कमेंट करें। बाकी अगर आप चाहें तो हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं, मेंबरशिप ले सकते हैं। इसमें आपको हमारी एक्सक्लूसिव लाइव वीडियोस देखने का मौका मिलेगा, आप हमसे बहुत कुछ सीख सकते हैं, पेड कोर्स आपको फ्री में मिल सकते हैं। तो इसी तरीके से वीडियो का अंत देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।